फ्रेंड गुड मॉर्निंग, हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। टेक्निकल गुप्ता के नाम से हमारा चैनल चलता है। ये हमारे पास गोदरेज की सेमी वॉशिंग मशीन है, 9.5 kg की है। इसका जो मॉडल सीरियल है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इसके बैक ग्राउंड पे प्लेट प्ले स्टिकर लगा होगा। इसी सारे आपका मॉडल सीरियल और वायरिंग का पूरा लिखा होगा। ये जुगाड़ से मैंने इस पे काम तो कर दिया था, बट कस्टमर के रिक्वायरमेंट के वजह से मैं इसका जो टूटा हुआ पार्ट है वो मैं चेंज किया हूँ। ये जुगाड़ मैंने इस पे किया था, तो जुगाड़ से कस्टमर ने बोला, रिक्वायरमेंट लगाया, तो ये वही चीज़ है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट की वजह से इसको चेंज करना पड़ा मुझे। ये नई मशीन है, इसमें और इसमें ये जो है मैं जिसको उंगली दिखा रहा हूँ ये चीज़ पुराने में टूट गई है, तो इसी को मैं चेंज करके आज बताऊँगा। ड्रेन सिलेक्टर प्लेट इसको बोलते हैं, इसका नाम है ड्रेन सिलेक्टर प्लेट। करना क्या होगा आपका, ये बैक कवर खोलना होगा, उसके बाद ड्रेन डोरी खोलना होगा। ड्रेन डोरी खोलने के बाद पैनल के तीनों पेंच आपको ओपन करने होंगे। मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप किए करेंगे तो कोई भी आप मेरी वीडियो को समझ नहीं पाएंगे। ये देखिए, ये जो टूटा था ये वो प्लेट है जिसमें ये मिस है, ये टूट गया था। ये ऐसे घूमकर इसमें लगता है, ये चीज़ इसमें नए वाले में है और उसमें टूट गई है, इसीलिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे ये प्लेट चेंज करना जा रहा हूँ। हमारी वीडियो पसंद आएगा लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पे स्क्रू लगे होंगे, पेंच लगे होंगे, पेंच को पूरा रिमूव करना होगा, पेंच को पूरा निकालना होगा। इसमें 5 या 6 पेंच लगे होंगे सर। सारे पेंच को रिमूव कर देना होगा। मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो को आप स्किप करते हैं तो आप खुद अपने ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि आप अगर मेरे वीडियो को स्किप करते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे मेरे वीडियो को। आप कहेंगे टेक्निकल गुप्ता ने ऐसा बताया था। ये देखिए, हमारे प्लेट हाथ पे आ गया है और ये टाइमर का मैं पेंच खोलना होगा। बहुत आसानी से लग जाते हैं ये प्लेट। किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं होती, इसमें पूरे स्क्रू लगते हैं। ये ड्रेन सिलेक्टर है, इसको ड्रेन सिलेक्टर बोलते हैं, वाइट कलर का होता है ये। इस एक पत्ती लगी होती है, कभी कभी टूट जाती है, तो इसकी भी वीडियो में बना के आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कभी भी इसको मैं अब जा रहा हूँ फिट करने नए वाले प्लेट पे। इसको कैसे फिट करते हैं आपको फिर कभी मैं वीडियो इसकी बना के दूंगा कि पत्ती वगैरह इसकी ड्रेन पत्ती कैसे लगती है। ये देखिए, मैं घुमाकर इसके अंदर से लाकर इसको मैं ड्रेन सिलेक्टर को लगा दूंगा। इस पे भी मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ कि आप पत्ती कैसे लगाएंगे। ये अगर पत्ती ये टूट जाती है आपकी तो ऐसे ही फिट हो जाएगी पत्ती, आप देख सकते हैं। इसको कस के नीचे दबा देना होगा। देखिए, ये हमारा ड्रेन सिलेक्टर लग चुका है नई वाली प्लेट में।
अब इसको वैसे ही बैठा देना होगा पैनल पे, स्पिन टाइमर वायर को एडजस्टमेंट करते हुए। इस पे जैसे जैसे पेंच जो स्क्रू लगे होंगे वो आपको लगाना होगा। आप ये पेंच जैसा खोला था वैसे ही आपको पूरा लगा देना है। कोई आपको नई वीडियो या कुछ और जानना चाहते हैं सेमी वॉशिंग मशीन के बारे में, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। या फिर ठंडी आने वाली है, आपको गीजर की आवश्यकता होगी तो गीजर भी मैं रिपेयर करता हूँ। अगर गीजर की वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कमेंट करेंगे तभी मैं आपको वीडियो अपनी अपलोड करूँगा। लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब से ये होता है कि कितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कितने लोग लाइक कर रहे हैं। ये मेरा ड्रेन सेलेक्टर प्लेट लग गई है और मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजस्ट करने के बाद इसको पैनल को मैं लगा दे रहा हूँ। देखिए अच्छी तरीके से हमारी लग गई है पूरी। इसमें पैनल पे ड्रेन डोली सिलेक्ट, इसमें तीन चार आइटम रहते हैं, स्पिन, ड्रेन सिलेक्टर प्लेट, ड्रेन डोली, ड्रेन सिलेक्टर, वॉश टाइमर और बजर, इतने चीज़ होते हैं। अब मैं डोरी को और इस कैबिनेट इस फ्रंट पैनल को बैठा कर डोरी को ड्रेन डोरी को लगा दूंगा और ये हमारी वॉशिंग मशीन पानी निकालने लगेगी। जैसे आपने ड्रेन डोरी निकाला था वैसे ही आप लगा दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए ये काम करना स्टार्ट कर दिया, ये वॉशिंग मशीन का पानी निकलने लगा, ऑफ हो गया, ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑफ, ये ऑन। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके बाय फ्रेंड, चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड।